मॉनेस्ट्री तो बंद है, और निकलते हैं अपने पेट्रोल भरवा के फिर जांगला प्लेस। ठीक है, बाय झूले। ठीक है, बाय झूले। तो भाई ये लोकल थे गांव के, और ये एलपी में है। एलपी मतलब लेह पुलिस में, पहले जेएनके में थे, फिर जैसे ही अलग हुआ जेएनके, अब एलपी में बन गई है। कर व्लॉग नया आज, और अभी हम करचा से, करचा मॉनेस्ट्री से निकलते और जांगला होते हुए हम लोग लिंगसिंग से निकलते, और एक पास है, पास का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अभी रास्ते में बता दूंगा पास कौन सा पास है। और पहले एक बार पेट्रोल भरवाते हैं और फिर निकलते हैं, फिर रास्ते में जो व्यूज़ आते हैं वो दिखाता हूँ फिर मैं आपको यहाँ से। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे मोटर व्लॉग पे। तो जांगला यहाँ से है 27 किलोमीटर पादुम से, पादुम 27 किलोमीटर पादुम से, और 4 किलोमीटर मैं पादुम से बाहर आ चुका हूँ। तो यहाँ पेट्रोल पंप है, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर है यहाँ पादुम से, और एक ही पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप है, एक पेट्रोल पंप और है थोड़ा वो पादुम से पहले है पर वो। तो यहाँ भरवाते हैं अपना पेट्रोल, मुझे लग रहा है यहाँ पेट्रोल भी नहीं शायद। पेट्रोल लिए भैया, पेट्रोल पेट्रोल आसपास कहीं नहीं है, है? पादुम के आगे है? किस तरफ? पुल, ये मॉनेस्ट्री वाला पुल? अच्छा अच्छा वो पुल जो बन रहा है, नया पुल बन रहा है वही ना, वो आर्मी कैंप आता है इसी रोड से आता है। हाँ चढ़ाई चढ़ गया है ना। हाँ कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से होगा सर 5 किलोमीटर होगा। 5 किलोमीटर होगा सर। दिखा नहीं पेट्रोल तो मैं कोई रास्ते में, थोड़ा आगे वो इसी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जाता हूँ वापस। ये बन रहा है क्या यहाँ पेट्रोल? तो वही थोड़ा गलत आ गया अपन, 5 किलोमीटर बोला कि पीछे है, यहाँ नहीं है पेट्रोल, ये बन रहा है तो, और कहीं अंदर गली में जाके है। तो भाई ये है पेट्रोल, मेरे को दिखाई नहीं यहाँ से, मैं निकला जब यहाँ बोर्ड लगा मुझे लगा आगे होगा। चलो कोई नहीं, मैं आगे निकल गया यार। अभी तो हम मारते हैं, कल रात को आए चाह विलेज से पादुम, थोड़ा सा ऊपर रखना, ये नीचे आड़े का नीचे ना, ये नहीं यहाँ, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे, वाह वाह वाह। मनाली नहीं, किलोंग से, हाँ किलोंग से होते हुए किलाड़ किश्तवाड़ होते हैं। तो भाई कुछ सीन ऐसा है पादुम में, पेट्रोल इस तरह भर जाता है, पहले भी ऐसे भरते थे कि पेट्रोल भर दो भर दो सब फॉल कर दो। सही है, बढ़िया। जयपुर से राजस्थान, राजस्थान में आता है ना? हाँ राजस्थान, जयपुर से है, जयपुर से करीब होगा 120 किलोमीटर है। अजमेर गए हो क्या? हाँ ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है। धन्यवाद भैया। तो इस रूट पे जो भी कुछ आता है मैं बताता हूँ, चलता हूँ क्या क्या आ रहा है इस रूट पे। पादुम से होते हुए हम करचा गए, करचा से वापस पादुम, पादुम पेट्रोल भराया, अब जांगला की तरफ जा रहे हैं। तो जो जो रूट आता है बताते जाऊँगा साथ साथ। जांगला जैसे यहाँ लिखा होता है 27 किलोमीटर, ये एक छोटा गाँव है जांगला से पहले, यहाँ शायद बीआरओ वाले काम करते हुए। अरे वाह,
झूले। ये क्या बना रहे? ये क्या? नहीं ये क्या बना रहे? ये क्या बना रहे? अच्छा 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 समझ समझ गया, बर्फ वाली। अच्छा ये आइस वाली बना, स्केटिंग वाली, जो दो लकड़े लेके स्केटिंग करते हाथ में। तो सैंडिंग करते हो भाई आपका? ओ वाह, क्या व्यू है, क्या व्यू है। ये क्या है इधर? स्टेशन? अच्छा हॉस्पिटल होगा। ओहो लाइट खंबे लग रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थ्री एनिमी ऑफ रोड, स्पीड ड्रिंक एंड नो आइडिया अदर वन। लोगों जंग लगा हूं कुछ ऐसा है, देखो है। अच्छा बड़ा, काफी बड़ा गांव है। झूले झूले का मतलब बताता हूं जिसको नहीं पता। नमस्ते नमस्कार, ये होता है झूले का मतलब। यहां जब भी कोई आपस में किसी को मिलता है तो सब झूले ही बोलते हैं यहां। क्या व्यू आ रहा होम स्टे का। अरे यहां भी टेस्ट हो रहा है। तो भाई ये हमारा टेस्ट नहीं, क्योंकि हम लोग लेह नहीं जा रहे। सबसे छोटे वो हालांकि लेह नहीं जा रहे, तो इसलिए टेस्ट नहीं होगा। हम वहाँ से लामजू से सीधा कारगिल निकल जाएंगे जम्मू। तो बस ये बच गया यहाँ पे। झूले हुए झूले चाह वाले से पादुम होते हुए चाह। हाँ अब लिंक से जा रहे, कितना दूर होगा यहाँ से लिंक से? पहुंचेगा 2 घंटे में। 2 घंटे कितना किलोमीटर है? किलोमीटर होगा यहाँ से 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर है। और ये रोड सही है, ऐसी है ऐसे? और 50 किलोमीटर तक है। हाँ हाँ। और उसके ऊपर वो सिंगला पास कौन सा है? ऊपर एक और पास है ना ऊपर, सिंगला पास। हाँ सिंगला जैसा है, जो लिंक का लाम नाला है। हाँ वहाँ से स्टार्ट है बस। ठीक है, कितने फिट पे हो? वो 3,700 फिट पे है। और सही है। और रोड फिर वहाँ रोड ऐसी है वहाँ तक है ना? हाँ। शाम तक पहुँच जाएंगे वैसे तो। और फोटक से है नीचे। हाँ। सिंगला क्रॉस कर दो इसके आगे। कितना किलोमीटर होगा वो वहाँ से? वहाँ से इधर होगा 12-13 किलोमीटर। बाहर से ज़्यादा दूर नहीं है ना, मतलब शाम तक पहुँच जाएंगे 5-6 बजे तक है ना? आराम से पहुँच जाएंगे। 50 किलोमीटर बोल रहे हैं कन्फर्म। ये तो वो पीछे 80 कह रहा था भाई, पूरा 2 या 3 घंटे में आप पहुंच जाओगे लिंक से होते हुए। क्या हो गया, ब्लास्ट किया क्या है? ब्लास्ट किया क्या उसे? अच्छा ये और भाई क्या चल, कहाँ? झारखंड से है? क्या कर रहा है? क्या बताऊँ, बैग भी सही ले रहा, घुमा रहा है पूरी, इधर घुमा के फिर लेगा मेरे ख्याल से। क्या हो गया भैया, पीछे लेके ले लो आराम से। यानी ऊपर नीचे ऊपर करता है वो। अभी हम नीचे से हमारे से पहले चला गया, सामने से निकला। हाँ चला गया। कुछ करा नहीं आपको? कुछ नहीं बोला, करता नहीं कुछ है? नहीं नहीं कुछ नहीं करता, वो भाग जाता है। डरता क्या वो? बियर है ना, बियर बियर। हाँ बालू में थोड़ा होता, तीन बियर आता है, एक से मीट खाता है, एक से घास खाता है। मीट खाने वाला वो काट कर रख बैठा ना, फिर हम कुछ करता है और भी करता है वो बग। तो कुछ है आपके पास आग वक्त जलाने के लिए? कुछ है
कहीं सामने आ जाए तो कहीं सामने आ जाए तो क्या करें? पेट्रोल वेट्रोल कुछ आगे लगे पत्थर है, पत्थर से भग जाएगा उसका आग में, आग का वो मिलाओ करता है, जाता है आग से, आग मिला लो है पत्थर फेंकने से उसकी बड़ा फेंकता है। चले चले हम दो तीन घंटे पहुँचेंगे फटक से, फटक से तीन नहीं लगाएगा, दो घंटा, दो घंटा, दो या ढाई घंटे है ना। ओके भाई, थैंक यू। ओके भाई, झूले चलो भाई, गाड़ी चलो, आप निकालो। डरता हूँ यार भाई। अच्छा अरे वाह, बहुत ही ज़्यादा पानी, दोनों जूतों में पानी घुस गया भाई की नहीं। और ये देखो रोड कैसी है, तो हाइट पे चढ़ना स्टार्ट हो गए, बस एक पास और उसके बाद फुटक्सर पहुंच जाएंगे। यार मिट्टी बहुत है यार, तो दो रूट निकलते हुए, ये मेरे ख्याल से वे टू लिंक से और ये अपना ऊपर पास की तरफ जाते हुए रोड। तो भाई बात ऐसी कि अगर आप जंस्कार की तरफ से आ रहे हो तो आपको सिंगला पास करने के लिए दो रूट कट जाएंगे, एक तो ऊपर राइट में गया और एक नीचे गया स्ट्रेट, तो वो लिंगसिंग में गया, तो हमको लिंगसिंग जाना नहीं है, हमको ऊपर साइड जाना है। पहला पास जाएगा मुर्गन, फिर सिपला, फिर सिंगला पास, तो अभी तीसरे पास पर हमें जाना है, तो अभी एक पास भी नहीं आया अभी तक, मुर्गन पास बस आने वाला है अब यहाँ से। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुर्गन पास है ये वाला, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ कुछ चाहिए पर सबसे टॉप पीक पे आ गया। तो भाई जंस्कार को क्रॉस करने के बाद लद्दाख माउंटेन लेरी और फर्स्ट हमारा पास मुर्गन पास, काफी हाइट पे। साढ़े 16,000 की फिट की हाइट पे सिंगला पास हम लोग पहुंच गए और काफ़ी ठंड है भाई, काफ़ी। एक बाउंड्री क्रॉस किया, दूसरा किया, तीसरा क्रॉस किया, तीसरा बाउंड्री क्रॉस किया जब जाके कुछ, जब जाके सिंगला पास आया। सिंगला पास से करीब करीब 15 किलोमीटर आगे नीचे, और जो ये गांव है यहाँ पे बस उसी का वेट करें कि कब आए। 15-20 किलोमीटर बता रहे थे, तो 15 किलोमीटर तो कवर कर लिया हमने, 5 किलोमीटर और है। व्लॉग अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक करवाइए करिए। मुझे नहीं लगता कि जंस्कार से रिलेटेड और व्लॉग मिलेंगे ऐसे आपको, बहुत लिमिटेड में है, मतलब कि एक आध व्लॉग मिल जाए तो ऐसे व्लॉग नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए, मज़े मारिए और ये ऑफ रोडिंग करिए साथ साथ। आज का व्लॉग एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। 16,500 की फिट की हाइट से नीचे यहाँ पे आए, भाई ठंड बहुत ज़्यादा भयंकर है, और यह नेटवर्क आते हैं पर जब आते हैं, जब यहाँ पे धूप आती है तब मिलते हैं, और कुछ कंटेंट होता है बढ़िया तो मैं दिखाता हूँ। होम स्टे ये कितने साल से काम कर रहे हैं आप? इस साल से भैया, सर्दी में भी रहोगे? क्या करोगे यार सर्दी में? बर्फ़ जम जाएगी।